हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोगुंदा पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान एक महिंद्र पिकअप में डोडा चोरा की तस्करी करते दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे डोडा चोरा का पिकअप गाड़ी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिले में विशेष नाकाबंदी की गई। इस कार्यवाही के दौरान गोगुंदा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक महिंद्र पिकअप से अवैध 26,500 किलोग्राम डोडा चोरा बरामद किया है। इसमें अवैध रूप से परिवहन कर रहे दो युवक जालौर निवासी मनोहर लाल विश्नोई और निवासी बाड़मेर पुखराज विश्नोई को गिरफ्तार किया है। इस डोडा चुरा की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही तस्करों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि डोडा चुरा मंगलवार से खरीदकर जालौर में बेचने जा रहे थे। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।